ये गदर की पावर है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तारा सिंह सच्चाई गदर जिंदाबाद, सच्चाई को दबाएंगे, झूठ को आगे बढ़ाएंगे, सच्चाई को नहीं बोले देंगे। मैं बोलूंगा, मुझे मालूम है सच्चाई। ये बेचारे किले से कह रहे हैं कि अगला जुम्मा दिल्ली में, तुम्हारा जुम्मा निकालेंगे हम दिल्ली में। कह रहे हैं कि लाल किले में झंडा फहराएंगे। इनके बाप का है लाल किला, मतलब लगा हाथ नहीं लगा मैंने, तो कहे कि ये बोला क्या कर रहे हैं, बात करो मेरी मर्जी है। अरे पठान का सपोर्ट कर रहा था, कुछ नहीं बना कर रहा है। ये 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 सच्चाई को बुझाओ, वो बोलो मैडम ये कहां से घुस गया। ये देखो बुढ़िया, कदर देखूंगा तू रोक लियो आके। इसकी आंखें देखो, ये इतना पोर्शन ही खाली पाकिस्तान का नक्शा है। जब मर्जी सनी देओल आंख बीच लेता पाकिस्तान बंद हो जाता है। अरे हम सनी देओल हैं, तुम किलसा सालो, तुम्हारी तो अब हम बुलाएंगे। देखो ओ मेरी बुच्चाना छुई, देखो देखो उसके अंदर देवी आ गई। पाकिस्तान वालों की बात कर रहा हूँ, खाने को आटा नहीं है, खाने को आटा नहीं है, और हर घर में सकीना चाहिए उनको। बिल्कुल देखिए मैडम बढ़िया, एक नंबर है, एक नंबर जिसे कहते हैं एक नंबर है, मतलब सच्ची वाला एक नंबर है, दो नंबर वाला नहीं है। सनी देओल आपको पसंद है? सनी देओल मर्द का बच्चा है, वो तो सबको ही पसंद आएगा। अच्छा। मर्द तो सबको ही पसंद है, मतलब औरतों को। आदमियों को आदमी पसंद नहीं है। जो 70 साल से सरकार चल रही थी वो आदमी को आदमी पसंद था। वो समझते हैं वो JNU में जो घूम रहे आजकल ऐसे वाले हाय हेलो, वो नहीं। सनी देओल एक्चुअल में मर्द का बच्चा है। और यही यकीन आ रहा तो चेक करो, 1980 में पिक्चर आई थी कि ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तब से बच्चों ने कहा कि पापा मेरे को भी 2.5 किलो का हाथ चाहिए। उन्होंने बोला दूध पियो, चाय पियो, मक्खन खाओ, दूध घी छाछ खाओ। आजकल का खा रहे बच्चे 70 साल से कांग्रेस ने सिखाया जाओ, चिली पोटैटो, चौमीन, पिज्जा, बर्गर। हाँ वो काका मोजितो, मोजितो पता नहीं काम कौन भाषा है, ये चाइना का प्रोडक्ट है। और कुछ दिन बाद सबके बच्चे ऐसे हो जाएंगे चाची चाँच चूं चूं वाले, तो चाचा ताऊ कहेंगे अरे बेटा ये कहाँ पैदा कर दिया तूने, पैदा होते ही चाँच चूं कर रहे हैं, नाम ही अजीब अजीब। अरे भाई साहब रुक जाओ, छोले भटूरे कहाँ से आ गए इसमें, नाम ही ऐसा, चौमीन, दूध, छाछ, मक्खन, घी, मट्ठा, ये होता है नाम, चिली पोटैटो। डेढ़ दो महीने पहले वो कह रहे थे वो आ झूमे जो पठान वाले, हमने कहा था हमारा नहीं लगा आपको गाना झूमे जो पठान, आपको अच्छा नहीं लगा? ये देखो पाकिस्तान की तैयारी हो गई है पूरी, फोकस कीजिए इनके इनके पोस्टर। मेरे को मत करिए, गदर को करिए, तुम्हें बवासीर हो जाएगी पाकिस्तान, ये सीधा लाहौर जाएगा। कहा और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात, मैं एक ऐसी आंखें दिखाऊंगा जिसमें पूरा पाकिस्तान का नक्शा है। ये देखो इसकी आंखें देखो, ये इतना पोर्शन ही खाली पाकिस्तान का नक्शा है। जब मर्जी सनी देओल आंख बीच लेता पाकिस्तान बंद हो जाता है, फिर आंखें खोलता पाकिस्तान खुल जाता है। ये का बोलेंगे मैडम, इनके पास पिछवाड़ा धोने को तो पानी नहीं है। ये बेचारे किले से रहे कह रहे हैं कि अगला जुम्मा दिल्ली में, तुम्हारा जुम्मा निकालेंगे हम दिल्ली में। ये पाकिस्तान वाले क्या कह रहे हैं? अगला जुम्मा दिल्ली में, डायलॉग इसमें बोला गया है। अरे वो बोल रहे हैं वैसे भी, वहाँ के इतने इतने से बच्चे नान छटाई, कह रहे हैं कि लाल किले में झंडा फहराएंगे। इनके बाप का है लाल किला, बॉर्डर तो पार करके दिखा दीजिए, आइएगा वाया उत्तर प्रदेश का, आइएगा वाया उत्तर प्रदेश, जू गोला से आई गोला में भेज देगा। तो इसी में आया था उत्तर प्रदेश के, उससे आई है ना, ठीक है आ गई है पाकिस्तान क्रॉस करके। अरे बोलने दीजिए भैया, महिला बोलिए बोलिए, पहले ही हम लोग लेडीजों से दुखी थे कि भैया बोले तो चालू हो बंद ना हो। अब माइक हमारे पास भी थोड़ी देर रहने दीजिए, आप भी बोलते रहेंगे फिर। हाँ, हमें तो राखी सावंत की याद आ जाती है। हाँ, बोलिए, वो भी ऐसी करती है, चल हट ना मेरे से इंटरव्यू तो ले भैया आके। भैया इस देश में पिक्चर चलेगी संस्कृति वाली, अगर देखेंगे बहन बेटियों के साथ वाली और मर्दों वाली। वो क्या कह रही है, आ ऊ आ बेशरम रंग और जोंग दिखा रही यहाँ तक, अरे पागल पागल है। ये पिक्चर है, इस पिक्चर को देखो, हमारी मर्जी है, हमारा पैसा है। शिवलिंग में दूध चढ़ाएंगे, गरीबों को सामान बांटेंगे, उसके बाद क्या देख कर आएंगे,
अरे पीछे रे बात में देखो, पहले हिंदुस्तान को बचा लो भाई। ये देखो, ये देखो, ये वही है जो पठान पहले क्या हाथ कैसे लगा रहा भाई, हाथ कैसे लगा रहा भाई, हाथ लगा तुमको, हाथ मत लगा, हाथ नहीं लगा मैंने, मैंने ये बोला क्या कर रहे हैं, बात करो मेरी मर्जी है। अरे पठान का सपोर्ट कर रहा था, कुछ नहीं बड़ा कर रहा है, ये 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 चले जा, सच्चाई को जाओ वो बोलो। मैडम ये कहाँ से घुस गया आगे, ये देखो इसको गदर से देखो, अरे कहीं गदर नहीं, बोलो ना क्या बोलना है, एक तुम्हारा माइक ले ले, अरे मेरे बोल रहे भाई के यहाँ पर मूवी की बात हो रही है, यहाँ देश बर्बाद हो रहा है, कहाँ हो गया देश बर्बाद हो रहा है, बोलने दो, रुको रुको, क्या बोलने दो, बोलने दो उनको, यहाँ पर हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदा है, पाकिस्तान तारा सिंह सच्चाई जिंदाबाद, सच्चाई को दबाएंगे, झूठ को आगे बढ़ाएंगे, मुझे मालूम है सच्चाई, जय श्री राम, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में AK-47 लेके घूम रहे खुले आम, AK-47 खुले आम, रिश्तेदार हो गया, मेरे को तो नहीं पता कौन है, जो लेके घूम रहे वो प्रूफ है, मेरे यहाँ प्रूफ है, जो लेके घूम रहे हैं उनको 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 जेल में डाला चाहिए, उनको जेल में डाला चाहिए, उनको जेल में ये मेवात वाला है क्या भैया, सच्ची बात बोल रहा हूँ, मेवात सच्चाई हुआ था, बोल रही सच्चाई को, वहाँ पत्थर मार चला है मेवात में, जिससे पत्थर चला है मेरा प्रूफ है, मेवात में 84 AK-47 जिससे चला है मेरा प्रूफ है, AK-47 खुले आम खुले आम सलमान है, सलमान खुले आम रोड के ऊपर संजय दत्त, संजीव बाबा AK-47 जब लेके घर में रखे थे तो उनको जेल हो गई, आलम जी पकड़ा है बिजनौर के मदद से, ये बोतल खुले आम मदद के घूम रहे हैं, बोल खुद ले, चला गया वो देखो खुश हो रहा है, जाके देखो फोकस करो भाई, फोकस करके दिखाओ, पहले फोकस करके दिखाओ, वो देखो वहां जाके खुश हो रहा है, वो माहौल खराब कर रहा है, वो देखो सबका माहौल खराब कर रहा है, देखो ये देखो, ये अशरफ अली ने भेजा था बंदा, सीधा लाहौर से आया है, और ये हिंदुस्तानी है, कौन कौन हिंदुस्तानी है भाई, तुम्हारी किल्लत जाएगी, तुम्हारे पिछवाड़े टूट गया, कल कौन कौन गदर देखने जाएगा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, अरे है उससे जाके पूछो उसका क्या हाल हुआ होगा पिछवाड़े का, उसको तो साक्षात अशरफ अली ने भेजा है, संजय दत्त का नाम ले रहा है ना, संजय दत्त बाबा, संजय दत्त कौन है बोला मालूम, बाबा संजय दत्त जिसका नाम ले रहा है, एक बार जाके उसके सामने बोल के दिखा दे क्या लायक नहीं, अरे उसने गलती करी जो तुम्हारे दामाद पढ़ रहे थे देश में, वो यासिर मलिक उसका नहीं बोला, कल जब तुम लोगों का पठान निकली थी जुम्मे, जब पठान मेरी जान है, ये वही है जो कह रहा था भाई साहब पठान के नाम पे दे दो, बोले क्या करूंगा कल टिकट बांटूंगा, रुक जा भाई, पठान के नाम पे कल टिकट बांटूंगा, एक तरफ कहते हैं मोदी खाने को नहीं देता ये लोग, एक तरफ कहते हैं महंगाई बेरोजगारी, और वहां टिकट बांट रहे सिनेमा हॉल के बाहर, कौन दे रहा है भाई पैसा, कौन दे रहा है, तो इनको क्या दिक्कत है, ये लाहौर से आया सीधा, वो देखो ये देखो कराची से आया है, इसको दहेज में लाएगा सन्नी का बेटा, इसको दहेज में लाएगा, और ये वही गाड़ी को धक्का मार रहा होगा जिसमें सकीना की बहू बैठी होगी, चलो रे डोली लेके सन्नी का बेटा जा रहा है, अरे इनका पैसा इनकी मर्जी है भाई, गदर देखने जाओगे नहीं, शिवलिंग में दूध चढ़ाओगे कि नहीं, हमारी मर्जी है, हमारा पैसा है, क्योंकि पैसा हमारा है, दूध हमारा है, शिवलिंग हमारा है, आमिर खान तेरे बाप के नौकर है, तेरे से पूछ के चढ़ाएंगे दूध, अरे 21 साल बाद शेर का बच्चा दोबारा आया है, 21 साल बाद शेर आया है, और ये लोग खुद कहते हैं बुड़वक शेर बुरा नहीं होता, इनका वाला बिना मुछुआ का जो पिक्चर दिखा रहा है, बिना मुछुआ वाला,
आपको नहीं बोल रहे, आप काहे मूंछों को दाव दे रहे हो? आदमी अच्छा पसीना है मेरे को लगा वो तो कर, जिसका मूंछ होता है वही तो मूंछों को दाव देता है। भैया किसकी किसकी मूंछें है दाव दो? अरे हम सन्नी देओल है, तुम किलसा साल तुम्हारी तो अब हम बुलाएंगे देखो। ओ मेरी मूंछ ना छुई, देखो देखो उसके अंदर देवी आ गई, ये गदर की पावर है। और वहां लड़की क्या कर रही, ये पठान मूवी है, हम लोग से गलती हो गई पता क्या, हम लोगों ने इतना विरोध कर दिया, इतना विरोध कर दिया कि लोगों ने अपना सिलेंडर बेच के पठान देख ली। बोले किलसाना है, अरे किलसाने के चक्कर में सिलेंडर पूरा भरा हुआ बेच दिया, अब अगली बार मोदी फ्री में कैसे देगा भाई? वो गलती थी मगर बार बार नहीं करेंगे। अब की बारी तारा सिंह इस बैक, अरे पता ही नहीं है क्या, तारा सिंह इस बैक। और अब की बारी जब वो आएगा तो सब फाड़ देगा, का हॉलों के पर्दे नहीं, पाकिस्तानियों को बवासीर हो जाएगा। अरे सकीना यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? हाय हमारी सकीना एक वहाँ आई है ग्रेटर नोएडा में, सीमा इधर, इनको उससे भी दिक्कत है। और वो जो अंजू गई है ना, वो गई है नसरुल्ला लुल्ला, नसरुल्ला वो एक दिन आएगी ऐसे गाड़ी में, नसरुल्ला ट्रॉली ट्रॉली बैग, नसरुल्ला ये कहा कर दिया नसरुल्ला लुल्ला। हम लोग नहीं करते ऐसे, हम लोग शादी करते हैं, साथ फेरे लेते हैं, जीवन साथी एक बार चुनते हैं, सात जन्मों का बंधन होता है। इनके तो बंधन ही नहीं पता लगते कितने हैं भाई, एक हो दो हो तीन हो। पाकिस्तान वालों की बात कर रहा हूँ, खाने को आटा नहीं है, खाने को आटा नहीं है, और हर घर में सकीना चाहिए उनको। तो तारा सिंह एक सकीना ला रहा है तो दिक्कत क्या है भाई? और ट्रक भर के आ रहा है, ये देखो मोदी जी के साथ के आ गए।